हेलो, आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ, ऐसा भी सेवन लोग से हो रहे हैं, फिर अब बाकी कहाँ चले गए? तो मिस मैं अभी कोई पुराना स्केड्यूल देख रही थी, लास्ट में फिर उनकी इस टाइम पे क्लास होगी, तो इसी कंफ्यूजन के चक्कर में अच्छा जी, हम क्या डिस्कस कर रहे थे? अच्छा, ऐसे 2 मिनट वेट कर लेते हैं ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाएं, तो फिर मैं बताती हूँ कि एपीए स्टाइल ऑफ राइटिंग हम कैसे लिखेंगे। दो मिनट वेट कर लेते हैं ताकि जिनका ज्वाइन नहीं हो रहा है वो ज्वाइन कर ले, तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, राइटिंग स्टाइल का आपको पता है एपीए राइटिंग स्टाइल क्या होती है? कंप्यूटर क्लासेस में अगर बताया हो आप लोगों को कि एपीए राइटिंग स्टाइल क्या होती है। आवाज आ रही है ना मेरी सबको? अच्छा, मैं रिपीट कर देती हूँ। मैं पूछ रही थी कि एपीए राइटिंग स्टाइल का आइडिया है कि वो क्या होती है। एपीए से बनता क्या? अच्छा, एपीए होता है अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। एपीए राइटिंग स्टाइल जो हम यूज करते हैं अपने रिसर्च वर्क में, ठीक है, इंटरनेशनली यही हम यूज करते हैं एपीए स्टाइल को।
एपीए में हम देखते हैं कि इसमें हमें कौन साइज कौन सा यूज करना है, स्टाइल कौन सा यूज करना है। इसके बाद हम जो रेफरेंसेस कोड करते हैं वो एपीए स्टाइल में होते हैं, साइटेशन हम कोड करते हैं वो हमारे पास एपीए स्टाइल में होती है। अच्छा, अब किसी को साइटेशन में और रेफरेंस में डिफरेंस पता है, दोनों में क्या डिफरेंस है? जी जी डिफरेंस पता है साइटेशन में और रेफरेंसेस में क्या डिफरेंस होता है? कि अभी इस टाइम पे जो आप लोगों को जो चीज दिमाग में आ रही होती है वो शेयर किया करो, ठीक है? एज इट इज डेफिनेशन ही मैं मानती हूँ करना से। अच्छा, साइटेशन ये स्पेलिंग है, सी से स्टार्ट होता है, CITATION। ठीक है, साइटेशन में हम सिंपल भी करते हैं, उस ऑथर का नेम देते हैं, साथ हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन बता देते हैं कि ये ऑथर का नेम है और उसने ये जो काम किया है, ये जो रिलायंस ने रिसर्च वर्क किया था उसने किस सन में किया था, ठीक है? 2020 में किया था, 2019 में किया था, 18 में किया था, कब किया था, सेम पर। ये जो हम लिखते हैं ये हमारे पास क्या है, साइटेशन, ठीक है? शॉर्ट फॉर्म आप अदर वर्ड्स में कह लो, रेफरेंसेस की शॉर्ट फॉर्म आ गई साइटेशन, सिंपल ऑथर का नेम और साथ आप ईयर लिख देते हो कि ये इस बंदे का आर्टिकल कब पब्लिश हुआ था, ठीक है? ये आपके पास आ गई साइटेशन। साइटेशन क्लियर है सबको? क्लियर हो गई है? ताकि मैं रेफरेंस का बताऊं। ठीक है, ये साइटेशन आपके पास होगी, ठीक है? अभी मैं आपको लिख के बता दूंगी कि हम कैसे इसको लिखते हैं। साइटेशन में सिंपल हम क्या करते हैं, ऑथर का नेम लिख देते हैं, ठीक है? चाहे उस काम में चार ऑथर थे या पांच ऑथर थे, हम सभी के नेम लिख देते हैं और साथ हम ईयर ऑफ पब्लिकेशन मेंशन कर देते हैं कि ये जो काम आपने जिस आर्टिकल से लिया था वो आर्टिकल कब आपको ऑनलाइन मिला था, ठीक है? कब पब्लिश हुआ था, वो आप सिंपल लिख देते। सिंपल आप ये दो चीजें लिखते हो, ऑथर नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन, ठीक है? जब ये आप दो चीजें लिखते हो तो ये आपके पास साइटेशन आ गई है, ये आपके पास होगी साइटेशन। अब रेफरेंसेस में क्या चीज होती है, रेफरेंस में क्या चीज होती है, ये सारे ऑथर जो आपने साइटेशन में लिखे हैं वो आएंगे, ठीक है? साथ जो आपने ये पब्लिकेशन लिखा था साइटेशन में वो आ गया रेफरेंस में। उसके बाद किस टॉपिक पे उन्होंने रिसर्च की थी वो आएगा उसमें, ठीक है? डिटेल मैं कहूँ किसी भी टीचर का, मिस जुबैदा फॉर एग्जाम्पल, मिस जुबैदा का नेम पूछती लिखा है मैंने, ठीक है? मिस जुबैदा ऊपर ब्रैकेट में, ठीक है? साथ कोई भी मैंने ईयर लिख दिए। अब मिस जुबैदा कौन है, इन्होंने क्या काम किया है, ठीक है? किस जर्नल में इन्होंने ये काम किया था जिसमें पब्लिश हुआ, ये सारी चीजें भी हमें साइटेशन में नहीं मिल रही। जब हम इसको नीचे जाके रेफरेंस में देखेंगे डिटेल इंफॉर्मेशन हमें वहां पे मिलेगी, ठीक है? मिस जुबैदा ने अगर रिसर्च की थी फॉर एग्जाम्पल 2019 में, तो नीचे आपको जुबैदा अख्तर नेम लिखा हुआ होगा, ठीक है? ब्रैकेट में 2019 लिखा होगा। उसके बाद किस टॉपिक पे उन्होंने काम किया है, फॉर एग्जाम्पल नॉलेज रिगार्डिंग हैंड हाइजीन अमंग नर्सेज, ये उनका टॉपिक है, ये भी लिखा होगा, ठीक है? ये काम उनके किस जर्नल में पब्लिश हुआ है, फॉर एग्जाम्पल किसी इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश हुआ है, ठीक है? या कोई पाकिस्तानी लोकल जर्नल है उसमें पब्लिश हुआ, जैसे रावल मेडिकल जर्नल है तो ये जर्नल का नेम आ गया। उसके बाद वहां पे उनका वॉल्यूम नंबर, जर्नल का पेज नंबर, ये सारे आपकी क्या आ गई,
रेफरेंसेस में ये सारी चीजें आ गई, ठीक है। तो टोटल डिटेल इंफॉर्मेशन अगर किसी को चाहिए तो वो नीचे जाके रेफरेंस को क्लिक करेगा, देन उसको वो टोटल कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगी। क्लियर हो गया रेफरेंस क्या चीज है? रेफरेंस आप कह लो कि डिटेल इंफॉर्मेशन है जो आप कोड कर रहे हो किसी के भी काम को, ठीक है। ऑथर नेम, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, उसका टॉपिक, किस पे उसने रिसर्च की है, किस जर्नल में उसने ये काम अपना पब्लिश करवाया है, ठीक है, उस जर्नल का वॉल्यूम नंबर कितना था और कितने पेजेस थे उसके आर्टिकल्स के, टोटल डिटेल इंफॉर्मेशन आपको रेफरेंस में मिलेगी, ठीक है। रेफरेंसेज आप सबसे लास्ट में लिखोगे, लेकिन साइटेशन आप साथ साथ लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल, एक लाइन आपने जहाँ से लिया है तो एक लाइन लिखे, उसके आगे आप ऑथर का नेम और ईयर पब्लिकेशन लिख दोगे, ठीक है। इसी तरह आपने दूसरी लाइन या तीन चार लाइंस आपने एक ही आर्टिकल से लिए तो तीन चार लाइंस लिख के जहाँ पे आपकी लाइन एंड होगी उसके ब्रैकेट के अंदर आप ऑथर का नेम और ईयर ऑफ पब्लिकेशन लिख दोगे। क्या ये साइटेशन है जो आपके प्रपोजल में या प्रोजेक्ट में चलेंगी, ठीक है। वो आप जब आप रिटर्न लिखोगे तब आपको क्लियर होगा। साथ साथ आप साइटेशन नीचे एंड पे जाओगे तो डिटेल में आपके पास हर साइटेशन के रेफरेंस होगा, ठीक है। अगर आपने एक पेज पे 10 साइटेशन लिखी हैं तो आपके पास रेफरेंसेस भी 10 होने चाहिए, ठीक है। जितनी साइटेशंस होंगी उतने ही आपके पास रेफरेंसेस होंगे, ठीक है। क्लियर हो गए? अब मैं आप लोगों को वर्ड की डॉक्यूमेंट शेयर करती हूँ, ठीक है। उस पर देखते हैं कि हम प्रपोजल में कौन कौन सी चीजें लिखते हैं और एपीए राइटिंग स्टाइल में हम क्या चीजें फॉलो करते हैं, ठीक है। अभी अगर किसी को, जब मैं शेयर करूंगी वर्ड का पेज, ठीक है, अगर किसी को कोई समझ नहीं आएगा या किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज सेंड कर दे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मैं शेयर स्क्रीन करूंगी तो मैं आपके मैसेज नहीं रीड आउट कर सकूंगी, ठीक है। तो अब मैं आपके साथ वर्ड की फाइल शेयर करती हूँ। फाइल शेयर हो जाए, आपको नजर आए तो आप लोगों ने बताना है कि वो आपको फाइल शो हो रही है। जी, फाइल शो हो रही है अब आपको। ठीक है, इतना जूम ठीक है, नजर आ रहा है सबको क्लियर? अभी आप लोगों ने टेक्स्ट मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में करके बताना है, ठीक है। क्योंकि अभी मैं आप लोगों के मैसेज रीड आउट नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है। मैंने स्क्रीन शेयर की हुई है। अच्छा, ये हमारे पास आ जाएगा फ्रंट पेज, ठीक है। फ्रंट पेज पे अब मैंने सिंपल हेडिंग दी है, फुल टॉपिक नेम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो भी रिसर्च का टॉपिक होगा वो आप यहाँ पे लिख लोगे, ठीक है। जो भी व्हाटएवर जो भी आपका टॉपिक होगा, नर्सिंग स्टूडेंट जहाँ के भी होंगे, ठीक है। फिर आप इसको हेडिंग दोगे रिसर्च प्रपोजल सबमिटेड बाय, यहाँ पे मेंबर्स के नेम आ देंगे, ठीक है। जैसे एंड हम ये वाला यूज करेंगे और आई थिंक ज्यादा है इसके इनके साथ, ठीक है। जो भी है ग्रुप में मेंबर्स के नेम आ गए, यहाँ पे ग्रुप जो भी है आपका वो आप मेंशन करोगे, सुपरवाइजर में नेम लिखोगे, ठीक है। सब्जेक्ट में अभी हम सिंपल नर्सिंग रिसर्च ही लिखेंगे,
क्या ये अभी सब लिखने की जरूरत नहीं है? डिग्री का नेम लिख दो, नीचे आप टैग दे दो, अपना बैच नंबर लिख दो, जिस टाइम पे आप सबमिट करोगे इसके आप डेट लिख दो, ठीक है? ये आपको बनेगा फ्रंट पेज। अच्छा, मैं स्क्रॉल करके दोबारा से शेयर करती हूँ, जब तक इनको शेयर नहीं हो रही वो इनको शेयर हो जाए। जी अब शो रही है सबको, ठीक है? ये हमारे पास आ गया फ्रंट पेज। इसके बाद हमारे पास जो एक चीज आती है वो आती है टेबल ऑफ कंटेंट, ठीक है? ताकि यहाँ से देख के पता चल जाए कि कोई भी आपने जो चीज लिखी हुई है वो आपने किस पेज नंबर पे लिखी हुई है और क्या क्या लिखा हुआ है, ठीक है? तो प्रपोजल हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम लिखेंगे बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, ठीक है? लास्ट टाइम हमने इसके लेक्चर भी देखा होगा कि इंट्रोडक्शन में हम कुछ पॉइंट्स लिखते हैं, देन हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट पे आ गया बैकग्राउंड ऑफ द स्टडी, फिर हमारे पास आ गया सिग्निफिकेंस, ठीक है? जस्टिफिकेशन, पर्पस क्या है आपकी स्टडी के, रिसर्च क्वेश्चन कौन सा है जिसको आपने आंसर देखना है, हाइपोथेसिस कौन से हैं, कंसेप्चुअल एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन आपने कौन से यूज की हुई है, ठीक है? फिर हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 2, उसके अंदर क्या है लिटरेचर रिव्यू। फिर हमारे पास आ गया चैप्टर नंबर 3 मेथोडोलॉजी, जिसमें हमारे पास फर्स्ट आ गया रिसर्च डिजाइन, ठीक है? अब हम जो रिसर्च डिजाइन यूज करेंगे सभी वो डिस्क्रिप्टिव क्रॉस सेक्शनल डिजाइन यूज करेंगे, ठीक है? टारगेट पॉपुलेशन आप किस हॉस्पिटल की कौन सी पॉपुलेशन देख रहे हो, ठीक है? किस कम्युनिटी की पॉपुलेशन देख रहे हो वो आप लिखोगे। सेटिंग में आपके पास आ जाएगी कि किस हॉस्पिटल में आप स्टडी करें, ठीक है? वो उस हॉस्पिटल का नेम आ जाएगा कि जिस कॉलेज में आप स्टडी करें उस कॉलेज का नेम आ जाएगा, आपके पास आ गई सेटिंग या एरिया, ठीक है? अब कुछ हम क्राइटेरिया डिफाइन करते हैं कि इंक्लूजन क्राइटेरिया एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया क्या है, ठीक है? इंक्लूजन क्राइटेरिया में क्या होता है कि वो लोग जो हमारी स्टडी में इंक्लूड होंगे, ठीक है? कुछ हम क्राइटेरिया डिफाइन कर लेते हैं कि इतनी एज ग्रुप के लोग हमारी स्टडी में इन्वॉल्व होंगे, या जिनको अवेयरनेस होगी, या कुछ कोई भी हम यहाँ पे क्राइटेरिया सेट कर लेते हैं, ठीक है? पिछले हम स्टडीज देखते हैं तो उस पर उन्होंने क्या क्राइटेरिया डिस्कस किया होता है, शेयर किया होता है, तो उससे हमें थोड़ा आइडिया देते हैं कि हम भी वो क्राइटेरिया इसमें बता देते हैं, ठीक है? अगर हम प्रेग्नेंट वुमेन पे स्टडीज कर रहे हैं तो प्रेग्नेंट वुमेन्स हमारे पास किस मेस वो ट्राइमेस्टर की होगी वो हम मेंशन कर सकते हैं, किस एज ग्रुप की होगी, ठीक है? मल्टी पैरा या प्राइमरी वो कौन सा होगी वो हम इंक्लूजन क्राइटेरिया में लिख देंगे, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में उसके ऑपोजिट, ठीक है? जो हमारे इंक्लूजन क्राइटेरिया में नहीं आएंगे हम उनको एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है? अगर हम फॉर एग्जाम्पल वहाँ पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर की वुमेन्स ले रही हैं तो एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में हम लिख देंगे कि सेकेंड और थर्ड हमारे क्राइटेरिया में एक्सक्लूड है, ठीक है? ऊपर अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई एज लिख रहे हैं 15 से 45 ईयर तक लिख रहे हैं तो बिलो 15 एंड अबव 45 ही हमारे पास एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाएगा, ठीक है? स्क्रीन क्राइटेरिया में जो बीमार हैं या जो कंसेंट नहीं दे सकते, जो विलिंग नहीं है, ये सारे हमारे एक्सक्लूजन क्राइटेरिया में आ जाएंगे, ठीक है? वो लोग जो हमारी स्टडी में इन्वॉल्व नहीं है जिनको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। फिर हमारे पास आता है सैंपल साइज, ये हम देखेंगे बाद में कि सैंपल साइज हम किन तरीकों से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? जब हमारे पास पॉपुलेशन नाउन हो और जब हमारे पास पॉपुलेशन अननाउन हो, ठीक है? तो दो डिफरेंट मेथड है जिससे हम सैंपल साइज कैलकुलेट कर सकते हैं, जिनसे हमने डाटा कलेक्ट करना होता है, इसी की बेस पे हम अपनी फाइंडिंग्स को जनरलाइज कर देते हैं, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल 10,000 की पॉपुलेशन है तो हमें उसमें से सैंपल चाहिए, ठीक है? अगर हम फार्मूला लगाते हैं तो हमारे पास 200, 300, 400 जितना भी सैंपल आते हैं हम उनसे जाकर डाटा कलेक्ट करेंगे।
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ गया एथिकल कंसिडरेशंस। उसमें क्या है, हम एथिक्स को फॉलो करते हैं, ठीक है, हम परमिशन लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल परमिशन लेते हैं, उसके बाद जहाँ पे हमने स्टडी करनी है वहाँ पे परमिशन लेते हैं, वहां से फिर हम इंडिविजुअल कंसर्न भी अटैच करते हैं, तो ये सारी चीजें हम एथिकल कंसिडरेशन में लिखेंगे। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया रिसर्च टूल। हम किस मेथड के जरिए क्या चीज यूज करके हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, ठीक है, तो मोस्टली जो हम रिसर्च टूल यूज करते हैं वो हम क्वेश्चनेयर यूज करते हैं, ठीक है, वो भी हम देखेंगे कि हम क्वेश्चनेयर कैसे बनाते हैं, उनमें हमारे पास कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, ये सारा हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी आप लोग थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करोगे, साथ साथ जो चीजें आती जाएंगी वो हम साथ साथ ही पढ़ते जाएंगे। फिर डेटा गैदरिंग प्लान आ जाता है कि डेटा हमने कैसे कलेक्ट करना है, ठीक है, डेटा एनालिसिस हमने किस सॉफ्टवेयर से उसको एनालिसिस करना है, उस पर हमने ग्राफ हमें चाहिए, डिस्क्रिप्टिव स्टैट चाहिए, क्या चीजें हमें चाहिए वो हम डेटा एनालिसिस में लिख देते हैं, ठीक है। ये तीन आपके चैप्टर्स आ गए, ठीक है, ये आपका प्रपोजल हो गया। अच्छा, नेक्स्ट है एपीएस स्टाइल ऑफ राइटिंग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई भी लाइन किसी भी आर्टिकल से कॉपी की है, यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं। ठीक है, आपके पास आर्टिकल्स आ जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे फर्स्ट वाले आर्टिकल से मैंने कोई लाइन लेनी है, अच्छा कुछ आर्टिकल्स ना ओपन नहीं होते, ठीक है, वो पेड आर्टिकल्स होते हैं, कुछ ये यहाँ पे इस तरह पीडीएफ में होता है, तब इसको क्लिक करो तो पीडीएफ की फॉर्मेट में वो आपके पास आ जाएगा। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे देखो इंट्रोडक्शन में, यहाँ पे अब साइटेशन में डिफरेंट स्टाइल्स होते हैं, ठीक है, अभी जो मैंने आप लोगों को बताया वो मैंने एपीए स्टाइल बताया, अभी जो यहाँ पे मेंशन है 1, 2, ठीक है, तो ये इनके पास रैंक फोर स्टाइल है। अगर आप 1 पे यहाँ पे देखो तो 1 हमारे पास कौन सा नीचे रेफरेंस आएगा, इट मीन्स उन्होंने ये साइटेशन दी हुई है 1, ठीक है, और नीचे आप सबसे एंड पे जाओ ये, तो ये उनके रेफरेंसीज हैं ये, ठीक है। 1 का मतलब कि ये रेफरेंस है उस फर्स्ट वाले का, ठीक है, अब ये रेफरेंस आ गया और ऊपर उन्होंने लिखा होता है 1 मीन्स कि इस रेफरेंस की इन्होंने वहां पे साइटेशन की हुई है, ठीक है, ये इन्होंने यूज किया हुआ, ये एपीएस स्टाइल नहीं है, ठीक है, क्योंकि एपीएस स्टाइल में ऊपर ऑथर का नेम होना चाहिए था और ईयर ऑफ पब्लिकेशन होनी चाहिए थी, ठीक है। अब कुछ आर्टिकल्स के आपको इसी तरह ही मिलेंगे, ठीक है, 1, 2 का मतलब वो साइटेशन है और नीचे आप जाके देखो तो आपके पास रेफरेंसेस आ जाएंगे। अच्छा, अभी क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, ठीक है, आप लोग अटेंडेंस लगा दो, बाकी फिर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, आप लोग अटेंडेंस लगा दो।
तक जितना बताया है सब कुछ क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, जिनके दो दो नेम एक जैसे है ना, वो एटलीस्ट अपना पूरा नेम लिखा करो, ठीक है? अच्छा, एपीएस स्टाइल की समझ नहीं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, बाकी सब क्लियर है? कोई रिएक्शन किया अटेंडेंस के लिए? ठीक है, जो अभी इस टाइम अटेंडेंस लगाएगा उसी की अटेंडेंस होगी। एपीएस नहीं है, एपीए है, ठीक है? एपीए, अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है फिर, ओके, अल्लाह हाफिज।